नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान, मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। रीट परीक्षा घोटाले में ईडी ने मंत्री के करीबी पर कसा शिकंजा। राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के करीबी डॉक्टर बनेल सिंह से पूछताछ की है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 2 दिन में 15 घंटे पूछताछ हुई है और अब दिल्ली बुलाया गया है। ईडी की टीम ने 5 और 6 जून को पूछताछ की। जयपुर स्थित डॉक्टर बनेल सिंह के घर की तलाशी भी ली और ईडी अपने साथ कुछ दस्तावेज भी साथ लेकर गई है। राजीव गांधी स्टडी सर्किल के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं बनेल सिंह, जिनसे घंटों पूछताछ हुई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, 15 घंटे पूछताछ हुई, अब उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो रीट परीक्षा घोटाले में ईडी ने मंत्री के करीबी पर शिकंजा कसा है। राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के करीबी हैं डॉक्टर बनेल सिंह, जिनसे पूछताछ ईडी की टीम ने की है। 2 दिन में करीब 15 घंटे पूछताछ हुई है, अब दिल्ली बुलाया गया है, दिल्ली में पूछताछ होगी। ईडी की टीम ने 5 और 6 जून की तारीख जब बनेल सिंह से पूछताछ की है। जयपुर स्थित डॉक्टर बनेल सिंह के घर की तलाशी भी ली है और अब ईडी अपने साथ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज साथ लेकर गई है। सहयोगी देवेंद्र कारू को करना चाहूंगी इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लिए, फोन लाइन पर मौजूद है। देवेंद्र, बनेल सिंह से घंटों पूछताछ हुई, अब दिल्ली बुलाया गया है। जी बिल्कुल, डॉक्टर बनेल सिंह है कॉलेज शिक्षा अकाला में एनएसएस के स्टेट कोऑर्डिनेटर है। उनसे पूछताछ की है ईडी ने। डॉक्टर बनेल सिंह जो राज्य मंत्री है, डॉक्टर सुभाष गर्ग भरतपुर आरएलडी से विधायक, उनके बेहद करीबी है और राजीव गांधी स्टडी सर्कल के स्टेट कोऑर्डिनेटर है। इनसे ईडी ने पूछताछ की है, इनके घर की तलाशी भी ली गई है, कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं। 5 से 6 घंटे इनसे पूछताछ हुई है, 2 दिन तक, 5 और 6 जून को, और अब ईडी ने इनको दिल्ली बुलाया है। बनेल सिंह की बात करें तो बनेल सिंह को लेकर पहले भी 2021 में जब रीट भर्ती परीक्षा हुई थी तब उनको लेकर कुछ ऑडियो क्लिप जारी हुई थी, ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी, जिस पर एईपी ने दावा किया था कि इनकी जांच करानी चाहिए एसओजी ने, एसओजी को, लेकिन एसओजी ने जांच नहीं कराई थी और अब ईडी ने इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ की है। जी अच्छा, देवेंद्र ये बताइए, घंटों पूछताछ हुई है, 5 और 6 जून की तारीख है, अब बनेल सिंह को दिल्ली बुलाया गया है, लेकिन इससे पहले क्योंकि जानकारी ये सामने आ रही है कि सुभाष गर्ग के करीबी हैं बनेल सिंह, ऐसे में ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि अब इस कार्रवाई को लेकर सुभाष गर्ग का क्या रिएक्शन सामने आया है। देखिए, सुभाष गर्ग भरतपुर में है, आज हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले को लेकर। कल देर शाम ही वो जयपुर से भरतपुर लौटे थे और देर शाम उन्होंने भरतपुर। ठीक है देवेंद्र, मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ। डॉक्टर बनेल सिंह खुद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। बनेल सिंह जी, घंटों आपसे पूछताछ हुई है, 5 और 6 जून की तारीख, अब दिल्ली आपको बुलाया गया है, ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है रीट मामले में, क्या कहेंगे आप? मैडम जी, 5 तारीख को मेरे यहाँ मेरे आवास पर 2377 महल योजना जलतपुरा जयपुर में सर्च हुई थी, 10 घंटे सर्च हुई, बातचीत हुई। 6 तारीख को मुझे बुलाया 3 बजे जी, उनके हेड ऑफिस बातचीत हुई, तो मेरे जो पूछा था मैंने उनको बता दिया भाई कि रीट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, भाई अभी जैसे मेरे कल किसी पत्रकार महोदय ने पूछा था तो मैंने उनको बता दिया रीट तो क्या है भाई, मैं पिछले 10 साल में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से किसी भी तरह का कोई भी टीएडीए नहीं उठाया। नंबर तीन, उन्होंने प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात पूछी थी तो मैंने कहा भाई जो मेरी संपत्ति है वो ऑन रिकॉर्डेड है, उसका मैं हर साल आईपीआर भरता हूँ, उससे बाहर कुछ नहीं है। हाँ। इसके अलावा कोई बात नहीं, क्योंकि इस समय मैं यहाँ कोहिमा में हूँ, नागालैंड ए आई फोटो की हमारी एक कहनी थी उसमें आया हुआ हूँ, नागालैंड कोहिमा। अच्छा ये बताइए बनेल सिंह जी, क्योंकि जानकारी हमें ये मिल रही है कि एसओजी की कार्रवाई के बाद भी सामने आई थी कि एसओजी आपके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम एसओजी ने पूछा था। हाँ। एसओजी आई थी, एसओजी उस समय आई थी, हमारे आयोग में आई थी, ठीक है, और फिर मेरे जान हुए, जांच हुई थी, कार्रवाई जब गई, मेरा कोई लेना देना नहीं है रीट से। अच्छा, सवाल जवाब क्या हुए, क्या सवाल ईडी की टीम ने आपसे किए और क्या ऐसे दस्तावेज हैं जो कि ईडी अपने साथ लेकर गई है और फिर आपको अब दिल्ली बुलाया गया है? नहीं, दिल्ली की वो वैसे कह रहे थे, मैंने उनसे पूछा था कि साहब मेरे को परमिट कर दे तो 6 तारीख को, मैंने पूछा था 8 तारीख का मेरा वहां जाने का है कोहिमा नागालैंड जी, तो बोले कि आपको दिल्ली बुलाएंगे, मैंने आप जहाँ बोला होगा मुझे कोई दिक्कत नहीं, जब आपको हम तो पूरा सहयोग करेंगे, जांच केंद्र की मतलब जांच एजेंसी हो चाहे स्टेट की जांच एजेंसी हो, सब में बराबर सहयोग करेंगे। अच्छा ये बताइए ना बनेल सिंह जी,
एबीवीपी ने आपका एक ऑडियो क्लिप जारी किया था, उस पर आप क्या कहेंगे? किसने? एबीवीपी ने आपका एक ऑडियो क्लिप जारी किया था तबादले को लेकर, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? ना, मेरा कोई लेन देन नहीं मैडम। अच्छा, आपको इसकी जानकारी नहीं है? नहीं नहीं, रीट भर्ती और तबादलों को लेकर एक ऑडियो क्लिप जारी किया गया था एबीवीपी की ओर से? ना ना, मेरी जानकारी नहीं है। अच्छा, चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे बस यही है बनर सिंह जी, क्योंकि घंटों आपसे पूछताछ हुई है 5 और 6 जून को, और 15 घंटे की लंबी पूछताछ, कौन कौन से सवाल ईडी की टीम ने आपसे किए? कुछ सामान्य सवाल थे, वो उन्होंने पूछे थे रीट में आपकी क्या भूमिका रही थी रीट भर्ती परीक्षा में। अच्छा, पहला सवाल तो उनका यही था, मेरा कोई भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी तरह की भूमिका नहीं थी, मुझे कोई कार्य आवंटित नहीं किया गया था, मेरी कोई ड्यूटी नहीं थी, मुझे कोई लेना देना नहीं है। जब कोई कार्य आवंटित नहीं किया गया, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, तो भूमिका का सवाल ही नहीं उठता। नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने पूछा था भाई, जैसे हमारे साथ शिक्षक साथी हैं सुभाष यादव है, बी एस वैरवा है, आप इनको जानते हो? मैं बिल्कुल जानता हूँ, क्योंकि साथी कर्मचारी अधिकारी हमारे साथ रहे हैं। उन्होंने पर एक पूर्व प्रश्न पूछा था भाई, राम कृपाली मीणा को जानते हो क्या? मैं कहते ही नहीं जानता। फिर उन्होंने पूछा अरविंद सेंगवा को जानते हो? मैं नहीं जानता। ऐसे सवाल जवाब किए थे उन्होंने। अच्छा, ठीक है, बने सिंह जी, आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि हमारे सहयोगी भी देवेंद्र इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं, और वो शुरुआत से इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। देवेंद्र, आपका कोई सवाल है? देखिए, बने सिंह जी से मैं सवाल करना चाहूंगा, बने सिंह जी शायद भूल गए, तो एबीपी के द्वारा उनका एक ऑडियो क्लिप जारी हुआ था जो उनके साले का था, अमित का। बाद में बने सिंह जी ने भरतपुर में इस बात को लेकर खंडन भी किया था कि उनका उस साले से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने उसको अपने हर प्रकार के संबंध खत्म कर रखे हैं। लेकिन एक ऑडियो क्लिप जारी हुआ था जिसमें आरोप लगाए गए थे उनके साले के द्वारा, एक ऑडियो क्लिप जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि शिक्षा विभाग के पूरे कर्ता धर्ता जो है वो खुद मेरे जीजा बने सिंह है, इस तरह के लगाए गए थे। जी बने सिंह जी। हाँ जी, हाँ जी, बने जी, सहयोगी ने सवाल पूछा है कि तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे ऑडियो क्लिप जारी करके। देखो मैडम, मैंने पहले ही बता दिया था, 30 सितंबर 2020 को मेरा जो कोरोना हुआ था, तब मेरा साला और मेरी साली के मैसेज मेरे पास आए थे पहले बार। उससे पहले, उसके बाद कभी नहीं आए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मतलब मेरे साले अमित से मेरा किसी तरह का ना कोई सामाजिक, ना व्यक्तिगत, ना कोई रिश्तेदारी, कोई ताल्लुकात ही नहीं, तो उस पर मैं क्या कहूंगा बताओ। और मैं उसकी क्लिप के बारे में कई बार कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ, उस पर जांच करो, जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी पानी हो जाएगा भाई। अगर कोई बात है तो उसकी तह तक जाना चाहिए, बजाय अपन पब्लिसिटी स्टंट बनाने के, उसकी तह तक जाए, उसकी खोज करे भाई क्या मामला है। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरे साले से किसी भी तरह का पिछले 2-3 साल से कोई मतलब किसी तरह कोई ताल्लुकात ही नहीं है। तो जांच तो हो रही है ना बने सिंह जी, जांच तो चल रही है, तभी तो घंटों पूछताछ हुई आपसे। मतलब अगर जांच चल रही है तो आप थोड़ा सब्र करो, धैर्य रखो, दूध का दूध और पानी पानी हो जाएगा। अच्छा, अब आपका रुख क्या रहेगा, क्योंकि आपको दिल्ली बुलाया गया, अब क्या करेंगे? मैडम, मैं समय कोहिमा हूँ, नागालैंड हमारी यही फोटो के एनएसी में हूँ, भाग ले रहा हूँ इस समय मैं, एट दैट टाइम कोहिमा में हूँ जो नागालैंड की राजधानी है। जब आपको बुलाया गया तो आप जाएंगे दिल्ली? जो हमारा एक विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ है उसकी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भाग लेने आया हूँ, परसों तक यही हूँ कोहिमा, ठीक है, उसके बाद जाएंगे। अच्छा, दिल्ली जाएंगे ना आप? नहीं, दिल्ली नहीं, मैं जयपुर आऊंगा भाई। जब जो जो जांच एजेंसी देश की, इस राज्य की, जब जब जो जांच एजेंसी सहयोग मांगेंगे उसमें करेंगे, उसमें तो कोई बात ही नहीं है भाई। प्रदेश की, राज्य की और देश की जो जांच एजेंसियां हमारे से मुतल्लिक कोई काम होगा, जो जांच का सहयोग मतलब करेंगे, हम तो करेंगे, उसमें कोई बात ही नहीं है। अच्छा, आपसे मुतल्लिक जो कार्रवाई चल रही है ईडी की, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? किसको? जो ईडी की कार्रवाई चल रही है, आपने कहा ना कि आपसे मुतल्लिक जो भी चीजें होंगी वो आप उसमें निश्चित तौर पर अपना जो आप करेंगे डेफिनेटली, तो ऐसे में जो आपसे मुतल्लिक कार्रवाई चल रही है, घंटों आपकी आपसे पूछताछ हुई है, इस कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे आप? भाई ये तो सरकारी एजेंसी है मैडम, उनको अगर कोई कहीं कोई लगा होगा भाई तो वो जांच करेंगी, और उसमें हमारा मतलब कर्तव्य का उसको जांच एजेंसी का सहयोग करें। चलिए, ठीक है, ठीक है, डॉक्टर बिना सिंह जी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और देवेंद्र आपका भी मैडम स्वागत, धन्यवाद जी, देवेंद्र आपका भी तमाम जानकारी के लिए और अपडेट के लिए धन्यवाद।